हेलो यूट्यूब, आज हम सी में डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना देखेंगे किसी मैट्रिक्स का। तो सिंपल ये मैट्रिक्स का एग्जांपल देख सकते हैं। 1 2 3, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो हो गया 4 5 7 6, और थर्ड रो हो गया 7 8 9, और इसमें कलम हो गया ये आपका दूसरा फर्स्ट सेकंड कलम और ये तीसरा कलम। तो इस मैट्रिक्स में हमें डायगोनल प्रिंट करना है, यानी तिरछा वाला 159 को हमें प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम सिंपल प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं रो एंड कॉलम वाइज कैसा है, उसके बाद उसको हम प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। इसमें हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप ए इक्वल टू 3x3 का हम बनाएंगे एरे टू डायमेंशनल। तो 3x3 दे दिए, 3 आई दे देते हैं और जे दे देते हैं सिंपल। इसके बाद हम देते हैं प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स स्लैश एन देते हैं लाइन ब्रेक के लिए। ये हो गया मेरा फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस। ये आई वाला हो गया आपका रो के लिए और जे वाला कलम के लिए। अब सिंपल मैसेज देते हैं हम, यूजर को इनपुट करेगा एक एक पॉकेट नंबर के साथ इनपुट करेगा। तो इसके लिए हम मैसेज देते हैं इंटर नंबर इन पॉकेट परसेंट डी, फिर ये रो के लिए और कलम के लिए परसेंट डी, और यहाँ हम दे देते हैं रो एंड कलम। फिर स्कैनर के साथ उसको स्टोर करते हैं, तो परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए आई और जी। ये स्टोर हो गया, स्टोर करने के बाद मैट्रिक्स को प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट इफ मैट्रिक्स इज इन, यहाँ भी लाइन ब्रेक देते हैं अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए, और फिर प्रिंट करना है तो आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, और जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस। अब यहाँ प्रिंट मैसेज देते हैं और प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करना है हमें तो परसेंट 3D देते हैं, 3 स्पेस के साथ प्रिंट करना है। एक के बाद एक नंबर के बाद दूसरा नंबर में जब भी जाएगा तो स्पेस होगा 3 तो, और आई जे को प्रिंट करना है। ये हो गया, और यहाँ हम प्रिंट फिर लाइन ब्रेक देते हैं, जैसे ही एक रो खत्म हो नेक्स्ट रो के लिए एक लाइन ब्रेक। अब इसको रन करके देखेंगे, हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रहा मैट्रिक्स में आ गया। अब इसको हम कॉपी करके समझते हैं रो लोकेशन के हिसाब से कैसे हम प्रोग्राम करेंगे। इसको कॉपी कर दिए, कॉपी करने के बाद यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिए। हमें प्रिंट करना है 159, तो 159 छोड़ के सबको हटा देते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं जो रो एंड कलम का लोकेशन दोनों का सेम है। इसका रो का रो 0 है तो रो कलम 0 है, रो 1 है तो से 5 का तो रो कलम 1 है, फिर 9 का रो 2 है कलम 2 है, यानी दोनों का सेम है। जब रो एंड कलम सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा मेन डायगोनल होगा। और इसके अदर्स में आप जितना भी वैल्यू है उसमें किसी में भी रो कलम सेम नहीं होगा। तो इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले मैसेज दे देते हैं प्रिंट इफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स स्लैश एन देते हैं लाइन ब्रेक के लिए। अब देते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस। अब यहाँ हम प्रिंट करेंगे तो कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इक्वल टू 0 अगर हो तब प्रिंट करना है, तो प्रिंट इफ परसेंट 3D कॉमा ए आई और जी, लास्ट में हमें गेट सी एस लगा देते हैं। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रहा डायगोनल एलिमेंट 159 प्रिंट हो गया। इस तरह आप सेम लॉजिक यूज करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी मैट्रिक्स का डायगोनल को प्रिंट कर सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।